नमस्कार, ये लेडीज़ माई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये क्रोशिया स्क्वायर बनाना बता रहा हूँ, स्क्वायर वाला डिज़ाइन। इसके लिए मैंने और कलर इस्तेमाल किया है, आपको जो जो भी कलर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, येलो, ब्लैक, रेड और वाइट, ये चार कलर मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। ये कैसे बनाए हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए पहले येलो कलर से एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें मैं 16 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ऐसे मैं 16 इसमें डबल क्रोचेट बनाऊंगा। इस 16 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम इसको खींच के और यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे। लास्ट वाले चेन से इसे ज्वाइंट कर देंगे। पीला धागा अपने कट कर देंगे। फिर अब हम वाइट लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद मेरा वाइट ही लगा है। वाइट उन लगाने के बाद 3 चेन बनाए और इसमें हाफ डबल डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाएंगे, फंदे क्रोशिया पर रखेंगे, तीनों को एक साथ बंद करेंगे, एक चेन लेंगे। फिर अगले में हम 3 बार फुल डबल क्रोशिया बनाते हुए फंदे क्रोशिया पर रखेंगे, फिर एक चेन लेंगे। ऐसे ही हमें 16 टाइम करना है, यानी 16 वो चेन में हमें इसी तरह बनाना है। ऐसे पूरी रिंग कंप्लीट करेंगे हम। 1, 2 और ये 3, तीनों को एक साथ खींचेंगे, फिर एक चेन लेंगे। ऐसे ही पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पूरी राउंड बन गई। अब हम रेड धागा लगाएंगे। रेड वुल लगाने के बाद 3 चेन लिया, फिर इसमें 3 टाइम हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक मेरा भूल गया, ये तीनों को एक साथ बंद करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोचेट तीनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर एक चेन लेंगे। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम हाफ डबल क्रोचेट बनाते हुए। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये रेड उल को भी हम कट कर देंगे और यहाँ ग्रीन उल लगाएंगे। अब ग्रीन उल से हम इस तरह से ये वाला हिस्सा बनाएंगे। 3 चेन लिया और फिर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे।
एक चेन लेंगे, दो तीन चार, फिर एक चेन लेंगे, तीन चार। देखिए अब यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे जिससे कि मेरा चौकोर डिजाइन में ये होगा। तो कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ धागे को दो बार हम क्रोशिया पे लपेटेंगे, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अगले फंदे में, तीन के बाद, एक दो तीन बंच बनाने के बाद। अब हम दो चेन लेंगे और फिर इसी में ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, ये देखिए कॉर्नर तैयार हो गया। फिर एक चेन लेंगे और ये फोर डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक चेन, फोर डबल क्रोचेट, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोचेट, ये देखिए ये फिर थ्री का बंच तैयार हुआ। अब इसके बाद फिर हम कॉर्नर यहाँ बनाएंगे। कॉर्नर के लिए वही ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, एक एक फंदे में सिक्स टाइम ही ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, दो तीन, फिर दो चेन लेंगे, दो और ये तीन, देखिए कॉर्नर तैयार हो गया। इसी तरह बाकी कॉर्नर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ग्रीन से ये तैयार हो गया स्क्वायर। अब एक लाइन हमें ब्लैक का लगाना है। ग्रीन धागे को कट करेंगे और यहाँ पे हम ब्लैक धागे से फिर स्टार्ट करेंगे। ब्लैक उल जोड़ने के बाद तीन चेन बनाया, फिर इसमें हमें फोर डबल क्रोचेट बनाना है। फिर एक चेन लेंगे, फोर डबल क्रोचेट, अब ये पहले हमारा तीन था, अब ये चार हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, ट्रिपल धागा लेंगे क्रोशिया पे और 6 टाइम इसमें हम एक ही फंदे में 6 टाइम बनाएंगे। 3 बनाने के बाद 2 चेन ले लेंगे, ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ब्लैक वाले लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपना धागा कट कर देंगे। देखिए दोनों तैयार है। आप इसे जोड़ के पर्स, जैकेट, टी शर्ट कुछ भी बना सकते हैं। डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।